भाई माशाल्लाह, आज हमारा जो है दोपहर का खाना बन रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं खाना बनता कैसे। अब ये दिखाएं भाई, ये चेक करें, ये बता दें, ये बन रहा है भाई तकरीबन ये बनेगी चिकन कढ़ाई। चिकन, और यकीन करो मजा ना आया तो पैसे वापस नहीं होंगे। ये माशाल्लाह, मैंने कहा चले मुकम्मल प्रोग्राम की तफसील आपको मिलना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम होते कैसे। मच्छी तो वैसे भी पकड़ रहे होते हैं, डेमरी वैसे भी पकड़ रहे होते हैं, ढोर भी दिखा रहे होते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन खाना भी दिखाएंगे आपको कि बनता कैसे और इसको खाया कैसे जाता है। तो देखें ये भाई, मैंने प्याज टमाटर डाल दिए, पानी दो ज़रा जल्दी, पानी दो, गिलास किधर है। ये देखें भाई, ये हमारा जो है वो प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डल चुका है। अब हम डालेंगे मसाला, ये बड़ा स्पेशल मसाला है, ये माड़ीपुर से हमारे फैसल भाई वो बनाते हैं, बड़ा अच्छा मसाला है इसका। ये मिक्स मसाला है भाई, यानी कि इसको आप हर किस्म के खाने में डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। ये देखिए मसाला, ये चेक कराए भाई, देखिए माशाल्लाह। अब ये मसाला डालेंगे हम, ये हमने मसाला डाल दिया भाई, हमारा मसाला माशाल्लाह। कोई भी आपने सालन बनाना हो, बिरयानी बनानी हो, चावल बनाने हो, पुलाव बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सबसे पहले आपने उसका मसाला, तेरे को मैंने बोला दिया, तो ये हमारा मसाला बन रहा है। कितना चाहिए कपड़ा, देना कोई कपड़ा है, होएगा ले ले, निकल लो तुम्हें तो अपना रुमाल निकाल दो, सनी का कपड़ा ले लो, पेंट में से काट के, सनी तुम्हारे लिए, सनी कपड़ा दे दे यार, सनी कपड़ा निकाल दे, तुम अपना काम करो, सारा मैं तैयार हो गया। ये समझ लिया हमारा ऑलमोस्ट मसाला जो है वो डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, माशाल्लाह ये देखिए चिकन, एक तरफ दोनों बड़ा बड़ा नहीं लगा ना भाई, एक बड़ा इधर लगेगा, अबे तीन है मतलब, ये देखे माशाल्लाह। आप इसका कलर देख सकते हैं कि क्या निकलने वाला है, ये देखें भाई, कलर कैसा है इसका, VIP आया जबरदस्त। अभी देखें, अब आपको एक और मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये है कि हमारे पास ना इतने मसाले, ना हमारे पास कोई इतनी बड़ी कोई फैसिलिटी है, बस हमने नॉर्मल काम करना है और अच्छा करना है, तो ये हल्का काम है हमारा, और इंशाल्लाह बाकी हमारे जितने भी हमारे आज टीम मेंबर हैं वो आपको बताएंगे कि यार ये खाना बना कैसे, और ईमानदारी से सब बताएंगे, कोई ये नहीं कि यार वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या फिर वीडियो में बोलना, रियल बताएंगे, जो इसका जायका होगा वो रियल बताएंगे। भाई ये पानी डाल रहा हूँ ताकि हमारी चिकन थोड़ी पक जाए, ठीक है भाई। ये मैंने चिकन डाल दी, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो पानी डाला है ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से बन जाए। अब हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक, होल्डर भूल गया, ये है काम का, ये हमने डाल दिया नमक, नहीं इधर लग गया,
इसमें बड़ा नहीं लगा रहे, बड़ा लगेगा यार। अरे वो लगा लेंगे यार, लगा लेंगे, तू ये तो लगा। अच्छा ये अब हम इसमें डाल देते हैं मिर्ची, बड़ा कुछ कर दिया ना, आएगा इस तरफ वाला। ये हो गया ना, इसके पीछे आएगा। ये हमने कुछ काट के डाल ली और कुछ हम इसमें डाल देते हैं साबुत, क्योंकि कुछ लोग हमारे जो है वो ज्यादा खाने वाले होते हैं मिर्ची, तो ये उनके लिए जान दे गड्डी में। अब जो है वो इसको हम जो है कुछ टाइम के लिए पकने देंगे और इंशाल्लाह जैसे ये पक जाएगा वो भी मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगा कि इसके जैसे सालन पक जाता है तो उसकी पहचान क्या होती है। पहचान ये होती है उसको आप कहा के चेक कर दो, ये इसकी पहचान है। ये हो गया, तो भाई वीडियो में बने रहे, वीडियो अगर मजा ना आए ना यकीन करो मजा वैसे आना चाहिए, मजा आप लोगों को ज्यादा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फ्री में सीख रहे हैं और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको ज्यादा मजा आना चाहिए। हाँ ये है कि हम लोग को खा के मजा आएगा, वो आपने खुद बनाना होगा। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जैसे बनते हैं आपको दिखाते हैं। अच्छे व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह तकरीबन हमारा खाना जो है वो बन चुका है। अभी मैं चूल्हे को जो है वो बंद कर देता हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह भाई, ये हमारा चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। अब ये हमारे जो टीम मेंबर है ये आपको बताएंगे। उसामा भाई आपने सही सही बताना है, ठीक है, कि खाना कैसा बना है, ठीक है। खाने के बाद नाको भी बताएगा भाई, अख्तर भाई भी हमारे बताएंगे कि खाना कैसा बना है, ये हमारे शाहिद भाई भी बताएंगे, सनी भी बताएगा और हमारे आसिम भाई भी बताएंगे, और इंशाल्लाह मैं खुद भी बताऊंगा, ठीक है भैया। ये देखे माशाल्लाह ये हमारा सालन जो है वो प्लेटों में डल चुका है, आप देख सकते हैं सालन, ये देखें, ये देखें। और एक पार्टी जो है वो शुरू है खाने में। शायद भाई आपने निवाला मारा है, ईमानदारी से बताओ, सीरियसली टेस्टी बना हुआ। अख्तर भाई बहुत आला, मजा आया। शेर आज तेरा नंबर टूट गया उस्ताद, आज खाने में तेरा नंबर टूट गया। ये देखें भाई, नो डाउट शेर बहुत अच्छा बनाता है लेकिन आज क्रास हुआ। हाँ तो भाई ये मैंने पहले भी बताया, हमारे पास जो सामान था वो बिल्कुल समझ लो के हसब जायका वाला, लेकिन माशाल्लाह भाई तारीफ कर रहे हो, बहुत शुक्रिया आपका। और रियल करना भाई, कोई ऐसा ना हो कि कोई ये सोचे कि यार वीडियो में एक की तो कहानी नहीं है भाई, ये रहा आओ चेक कर लो। ये माशाल्लाह शायद भाई सही बेहतरीन है भाई, आपके साथ बहुत दिन किए मगर खाना पहली बार खा रहा हूं। जी जी माशाल्लाह जबरदस्त, बाकी भी दोस्त बताएंगे, वो निवाला ले ले जरा। सनी भाई बेहतरीन बनाओ, बहुत वीआईपी टेस्ट है, मजेदार सालन है। और ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि हमारे पास सामान जो है वो लिमिटेड, यानी कि जैसे लोग घर पे बनाते हैं किसी रेस्टोरेंट में बनाते हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन हमारे पास जो है वो हसब जायका, यानी कि सिर्फ हरा मसाला, इसके अलावा एक किस्म का मसाला और चिकन, ये उससे बना है। तो रियल में मज़ा आया भाई आप लोगों को, बेहतरीन हो गया भाई, ज़बरदस्त भाई। चलें खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा व्यूअर्स ये हमारी कढ़ाई थी और आपने कढ़ाई का जो है रिव्यू सुन लिया, तो एक बार जाते जाते भी मैं आपको बताऊं कि भाई देखें नॉर्मली जिस जगह पर आप होते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वैसे भी आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन इसके अलावा कि एक ही ऑप्शन हो और वो भी अच्छा हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। तो ये एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन का मतलब कि हमारे पास दोपहर के खाने के लिए हमने चिकन परचेज की थी, नॉर्मल एक मसाला लिया था मिक्स मसाला जो आपको बताया, इसके अलावा हरा मसाला और तेल, तो ये इससे बना था माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। और एक सिंपल सा इसका फार्मूला है, जब भी कोई आए वो बनाए लंच में, स्पेशली उसको बड़ा मज़ा आएगा।
हम तो भाई इसी तरह अपना प्रोग्राम करते हैं, जब आते हैं पहले मंजार पे रुकते हैं, मंजार पे खाना बनाते हैं, खाना बना के खाना खा के लाइटें बांध के फिर सकून से निकलते हैं, क्योंकि जो नसीब में होगा वो वैसे मिलेगा, चाहे आप जितना जल्दी चले जाओ या जितना लेट चले जाओ। एहतियात सुन्नत है, जल्दी आना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए, लेकिन अपने काम पूरे करने चाहिए। तो एक सिंपल आपको जाते जाते इसका जल्दी जल्दी मैं इसकी रेसिपी बता दूँ कि सबसे पहले आपने अगर कढ़ाई में बनाना है या पतीले में बनाना है, आपने तेल डाल देना है, तेल के बाद आपने प्याज डाल देना है, प्याज को जो है वो ब्राउन कर लेना है, और उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, उसको थोड़ा पकाना है, फिर आपने टमाटर डाल देना है। देखिए प्याज को जलने नहीं देना, प्याज को ब्राउन करना है। टमाटर डाल लिए, टमाटर को अच्छी तरह गलाएं, उसमें थोड़ा पानी डालें, अगर नीचे जैसे चिपक जाते हैं तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी का सहारा लेना है ताकि आपके टमाटर चिपके ना। और जब अच्छी तरह इसका मसाला बन जाए फिर आप मसाला डाल दें, उसमें जौन सा आपने मसाला डालना हो आप मसाला डाल दें, अच्छी तरह उसका पेस्ट बनाए मसाले का। मसाला बनाने के बाद आप चिकन डाल दें, फिर चिकन आपने इस तरह से हिलानी है कि वो भी चिपके ना, थोड़ा थोड़ा पानी का सहारा। फिर जैसे ही मसाला आपका बिल्कुल ऐसा आपको लगे कि चिकन में जो है वो फिक्स हो चुका है, फिक्स होने के बाद आप उसमें थोड़ा पानी डाल लें और चिकन को पका लें और उसके बाद उसको खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। तो ये मेरी आज की जो वीडियो थी ये एक समझ ले ट्रिप की रेसिपी वीडियो थी, तो आपने इसको भी भाई लाइक जरूर कर देना है, और अगर आपको लगे कि ये अच्छी वीडियो है तो अपने घर वालों तक भी शेयर कर दें ताकि वो भी आसानी से इसको बना सके। तो भाई इंशाल्लाह मिलते हैं अभी डायरेक्ट फिशिंग वाली वीडियो, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।